हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, हमारी जो रीजनिंग की सीरीज चल रही थी उसकी एक क्लास फाइव, ठीक है, कौन सी क्लास फाइव, ठीक है। आज हम करने वाले, आज अपना कैलेंडर हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। पिछली क्लासेज में आपने देखा होगा कि मैंने आपको ना सारे कोड बता दिए थे कि आप कोई सी भी डेट दिन निकाल सकते हो ना, कोई भी आपकी तारीख दे रखी हो तो आप कोई सा भी दिन निकाल सकते हो, है ना। मैं आपको बताया था, एक मैंने आपको करवाया जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक कोड बताया था। क्या बताया था? 1440250360146, है ना। पर अगर लीप ईयर होता है तो जनवरी और फरवरी का चेंज हो जाता है ना, ये बताया था। और मैंने आपको सेंचुरी कोड बताए थे 4206, है ना। और फिर मैंने संडे मंडे ट्यूसडे सबका बताया था, 1 2 3 4 5 6 0, है ना। तो उससे आप डेट निकाल सकते हो। ये था पिछली क्लास का। तो आज हमारे पास कौन सी टाइप आई है दोस्तों? आज हमारे पास ये, अगर आपका डेट जैसे कि बोला जाए, यदि 12 मार्च 1830 को रविवार था, ठीक है दोस्तों, क्या था? रविवार। तो 12 मार्च 1831 को कौन सा वार होगा? ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसके अंदर आपकी डेट डेट और मंथ मंथ सेम हो सकता है लेकिन ईयर चेंज हो जाता है। तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? 4 से 5 टाइप बनती है और आज आपका कैलेंडर खत्म हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसकी एक छोटी ट्रिक है, याद रखो। ईयर लीप ईयर अपॉन में 7, ठीक है। कैसे करेंगे ये देख लो आप एक बार, बस याद रखना एक किस चीज में अप्लाई होगी। जहां पर 12 मार्च दे रखो, ये सेम दे रखो और ये अलग होगा, ठीक है, उसमें आप कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, ईयर लिखना है। ईयर कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, देखना, एक का, तो एक लिख लो। प्लस कितने लीप ईयर है इनके बीच में, कोई भी लीप ईयर आ रहा है? लीप ईयर क्या होते हैं, जो हमारे 4 से डिवाइड हो जाए, नहीं आ रहा एक भी, तो यहाँ 0 अपॉन में क्या, 7 से कितना आ गया, 1/7, 1 बच गया। तो आप क्या करना है, आपको आपको रविवार में 1+ कर देना है। तो यहाँ पर कौन सा दिन होना चाहिए? मंडे, ठीक है, M1 मंडे रख दो। यहाँ पर कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। कोई दिक्कत? इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व। या तो आप एक तरीका और भी कर सकते हो इसमें, क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा लीप ईयर नहीं होता है ना, तो हमारा दिन कैसे खत्म होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे 12 मार्च, है ना, 12 मार्च ये साल कब खत्म होगा? 11 मार्च को खत्म होगा, इस दिन खत्म होगा, बिल्कुल होगा। तो मैंने आपको बताया था हमेशा वही दिन रहता है ना, कल मैंने आपको बताया। तो इस दिन भी क्या होगा, संडे होगा। तो 12 मार्च का पूछा है ना, तो एक दिन बढ़ा दो, इसमें एक दिन बढ़ा दोगे तो क्या होगा, मंडे आ जाएगा। बस इस तरीके से भी आप इसको नोट करके लिख सकते हो, नहीं तो आप ये याद रख लो बस, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन में 7, है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखो दोस्तों, जैसे ये वाला बोल रखा, बोल रहा 26 जनवरी 2004 को मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है ना, बोल रहा 26 जनवरी 2004 को मंगलवार, तो 26 जनवरी 2005 को क्या होगा? ठीक है, कर देते हैं। कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपको ईयर रख, इनके बीच में कितने डिफरेंस है, ईयर का एक, ठीक है। क्या लीप ईयर है? आप बोलोगे है, 2004 लीप ईयर होता है ना, तो एक लीप ईयर हो जाएगा इनके बीच में। और अपॉन में क्या है, 7, क्या हो जाएगा, 2/7, है ना। कितना रिमाइंडर बच गया, 2 ही बचेगा। तो मंगलवार में क्या करो, 2 जोड़ दो आप, ठीक है, 2 जोड़ दो, मंगल बुध बृहस्पति, है ना, तो थर्सडे हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, इन क्वेश्चनों को, इन टाइप को, समझ में आती है बात। चलिए एक और देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। अब आप कहोगे भैया बाय चांस अगर पीछे जाए तो कैसे करेंगे, मगर चलो वो भी कर लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, 15 अगस्त 25 अगस्त 1970 को सोमवार था, तो 25 अगस्त 1969 को कौन सा वार होगा? तो इसमें क्या करना है आपको, सेम सेम है बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले ईयर देख लो कितने का है, एक का है, ठीक है। और क्या इसके अंदर लीप ईयर है? मेरे ख्याल से तो लीप ईयर नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है, तो 0 लीप ईयर अपॉन में 7, कितना आ गया, 1/7। तो अब आपको क्या करना है, एक इसमें से माइनस कर देना, एक इसमें से माइनस कर देना, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, संडे, ठीक है। एक इसमें से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका, संडे। आती है बात समझो मेरे ख्याल से, है ना। चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये टाइप क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से, जिसके अंदर आपका डेट और मंथ अगर सेम दिया गया तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है, अब आपको आ गया होगा। चलो अब देखिए एक ये वाला और कर लेते हैं ना। क्या बोल रहा है, 5 अप्रैल 2018 को क्या है, बृहस्पतिवार है, तो बोल रहा है 5 अप्रैल 2025 को कौन सा वार होगा? तो जल्दी से निकालो आप, या तो वीडियो पॉज करो और आप निकालने की कोशिश करो एक बार, आप कैसे करते हो इस क्वेश्चन को। चलो कैसे करेंगे, इनके बीच में ईयर कितने हैं, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन में 7, ये करना है ना। कितने ईयर है, 18 19 20 21 22 23 24 25, 7 है। लीप ईयर बताओ कौन सा है, 18 19 नहीं है, 20 है, 2020 है लीप ईयर, बिल्कुल है, एक हो गया। फिर कौन सा आएगा, 2024, तो 2 लीप ईयर आ गए मेरे इसमें, है ना, अपॉन में 7, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, ये इसको कर लो, 2 रिमाइंडर आ जाएगा ना, 7 8 9 7 से भाग हो जाएगा, 2 बच जाएगा आपका ना, तो 2 आ गया। तो इसके अंदर 2 जोड़ दो, बृहस्पतिवार में 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा आपका, बृहस्पति शुक्र शनि, तो सैटरडे आ जाएगा आपका, सैटरडे सैटरडे, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है इसको, क्या इसको भी कर दोगे, ये वाला करके देखना आप, आराम से आप इसको कर दोगे सोल्व बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अब। चलिए अब आपकी नेक्स्ट टाइप, ठीक है दोस्तों, अब आपकी नेक्स्ट टाइप। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें देखो क्या बोला है, अब इसमें क्या दिया होगा आपको, जो ईयर है ना, देखो ईयर
वो सेम कर रखा है और ये चेंज कर रखा है। तो अब आपको ये निकालना है किस तरीके से निकाल लूंगा, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा उसी में आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। चलो कैसे करेंगे, देखिए देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है 15 अप्रैल से 1996 को क्या गुरुवार है, 30 अगस्त को बोला है, तो अप्रैल में कितने महीने होते हैं बताना, वो कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन होते हैं, अप्रैल में कितने होते हैं दोस्तों 30 दिन होते हैं ना, अगर 30 12 दिन तक तो हो गए हैं, तो बचे हुए कितने दिन है हमारे पास ये देख लो कितने आ गए 18 दिन आ गए है ना, तो अप्रैल में कितने दिन बच गए और ये देख लो अब कितने दिन बच गए 18, कोई दिक्कत, अप्रैल मई फिर जून जुलाई अगस्त ठीक है ये बोला है, तो अप्रैल हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में हो गए 31, जून में हो गए 30 और जुलाई में हो गए 31, और अगस्त में कितने हो गए, अगस्त में कितना बोला है सिर्फ 30 तक बोला है ना, तो 30 तक ले लो बस यहाँ पर, बस अब इन सबको जोड़ दो आप कितना होता है 8 9 10 3 3 6 3 9 12 13 14 140, इसको 7 से भाग कर दो, 7 से भाग किया कितना रिमाइंडर बचा मेरे ख्याल से 0 बचा, 0 बचा ना, तो बस इसमें 0 जोड़ दो, 0 जोड़ दोगे तो आंसर ही क्या आ जाएगा गुरुवार ही आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम यही दिन होगा इस तारीख को, समझ में आता है वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका ईयर सेम होगा उसको आपको इस तरीके से करना पड़ेगा ठीक है, कैसे करना पड़ेगा इस तरीके से आपको करना पड़ेगा ठीक है। चलूंगा आगे, ये थी आपकी नेक्स्ट टाइप ठीक है। अब देखिए अब है आपकी एक फाइनल टाइप, और जो मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाया था ना ज्यादातर 80% होता है कि वही वाली टाइप आती है ठीक है, और नहीं तो फिर ये वाली आएगी लास्ट के 10%, और जो बच गई जो अभी एक दो दो टाइप कराई और एक दो और करवाऊंगा उसमें से आपका 10% आ सकता, नहीं तो 80% होता है वही वाला क्वेश्चन पूछा आपसे। चलो देखो इसमें क्या बोला गया, अभी जो क्वेश्चन देखना, बोल रहा 15 मार्च 1872 को शनिवार है, क्या शनिवार है तो 26 सितंबर 2020 को क्या होगा, अब देखो ना इसमें डेट से मैं ना इसमें मंथ से मैं ना इसमें ईयर देगा सब कुछ अलग है, तो आपको ना एक बार निकाल के देखना ही पड़ेगा, आपको एक बार निकाल के देखना पड़ेगा, मान लो अगर ये सिर्फ ये नहीं होता ना ये वाला सिर्फ ये पूछा होता तो आप अपने कोड लगा के आप इसको निकाल लेते, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एक बार ये चेक करके देखना है कि 15 मार्च 1872 को क्या सच में शनिवार है या नहीं है। चलो एक बार चेक करते हैं, सबसे पहले आपको क्या बता रखा है निकालेंगे, सबसे पहले आपको डेट चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए मंथ कोड चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए आपको ईयर चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए सेंचुरी कोड चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए हाउ मेनी लीप ईयर्स है ना, इनसे आपको क्या निकल जाएगा डेट निकल जाएगी। चलो निकालते हैं सबसे पहले 15 मार्च ठीक है, 15 मार्च का कोड क्या होता है 1444 होता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, आपका ईयर कितना है 72 कोई दिक्कत नहीं है लिख दिया, सेंचुरी कोड क्या 1800 की आती है 17 18 42 06 मतलब 2 आ गया कोई दिक्कत नहीं है ना, 42 06 होता है ना 17 18 19 20 ठीक है हो गया, उसके बाद क्या हमारे हाउ मेनी लीप ईयर्स, तो 72 में देख लो कितने लीप ईयर्स बनते हैं आपके 18 लीप ईयर्स बन गए मेरे तो भाई ठीक है, मेरे 18 बन गए, अब इसको जोड़ लो जल्दी से एक बार जोड़ के देख लो क्या होता है, थोड़ा सा लेंथ ही बनेगा लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है आपको और ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, और कोई ट्रिक नहीं है इसकी ठीक है, 5 4 9 11 11 और 2 13 13 और 8 21 7 8 9 10 11 111 आ गया, 111 को एक बार 7 से भाग करो, 7 1 7 4 आ गया ठीक है, 7 8 9 10 11 4 आ गया, अब ये किस पे जाएगा 5 पे गया 35 कितना बच गया 6, 6 आ गया ना, 6 आ गया, मैंने 6 पे मैंने आपको कौन सा कोड बता रखा जरा बताना एक बार, 6 पे मैंने आपको कौन सा बता रखा, 6 पे क्या आता है संडे 1, मंडे 2, ट्यूजडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0 यही है, 6 पे मैंने आपको क्या बता रखा है फ्राइडे, लेकिन इसने क्या लिख दिया, इसने क्या लिख दिया शनिवार, तो इसने क्या करा फ्राइडे में एक जोड़ के लिख दिया, तो मेरे को भी बस यही करना है इस वाले में 26 सितंबर वाले में भी यही करना है बस, तो लिखो जल्दी जल्दी लिख दो एक बार स्पीड में आंसर आ जाएगा आपका, थोड़ा सा लेंथ ही बनेगा लेकिन जब आप खुद से करोगे तो बहुत स्पीड में कर दोगे, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग जाएगा ठीक है। ये हो गया कितना हो गया ये 26 सितंबर का कोड क्या होता है, देखो ले लीप ईयर है पर लीप ईयर में तो हमको जनवरी फरवरी से फर्क पड़ता है बाकी सब सेम रहता है, तो सितंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो कितना होता है 1440250036 6 आ गया कोई दिक्कत नहीं है, 2000 का कोड क्या होता है 4206 ठीक है, 20 का 20 ऐसे लिख लो, और हाउ मेनी लीप ईयर्स कितने हो गए 20 में लीप ईयर 4 से कर लो इसको 5 कोई दिक्कत नहीं है बस, तो अब इसको जोड़ो जल्दी से 18 18 19 20 21 22 23 दो दो 4 और 6 हो गए 63, इसको 7 से कर लो 9 7 63 है ना, 9 7 0 बच गया रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों 0 बच गया, तो 0 मैंने आपको क्या बता रखा शनिवार है ना, तो आपको एक जोड़ देना है, तो शनिवार के बाद कौन सा आएगा संडे,
है ना, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, है ना। क्या करा मैंने, इसमें जीरो आ गया था, जीरो को मेरा क्या होता है, शनिवार होता है ना, लेकिन इसमें भी एक जोड़ रखा था, तभी तो फ्राइडे आया था, तभी तो शनिवार आ गया था, लेकिन अब इसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, संडे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अगर नहीं समझ आया तो वीडियो एक बार और दोबारा से इस क्वेश्चन को देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ मैं, चलिए अब ये एक और ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ठीक है। 15 अगस्त, इसको अगर सोमवार है तो इसको क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही आपको निकालना है, निकाल के एक बार देख लेना, ठीक है, कैसे लग रहा है बताना, कमेंट में दिक्कत नहीं है तो मैं फिर से दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, ये आज की लास्ट टाइप, ठीक है। अब आपका कैलेंडर अच्छी तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, छोटी सी वीडियो में, पहली भी हमारी 15-16 मिनट की वीडियो थी, आज भी ऐसी कुछ बनेगी 10-12 मिनट की, उसके अंदर पूरा अच्छी तरह कैलेंडर खत्म है, हर एक टाइप हमने कंप्लीट करी है इसमें, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, अगर आज शुक्रवार है तो 55 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। बोल रहा है अगर आज शुक्रवार है तो 55 दिन के बाद कौन सा दिन हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और एक और देखो इसके ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे ही लिखा हुआ है, महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कैसा हो, कौन सा होगा, ठीक है। अब ऐसे ये दो टाइप करेंगे जल्दी से और फिर आपका खत्म हो जाएगा कैलेंडर। चलिए अब देखो बोल रहा है आज अगर शुक्रवार है तो 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूं भाई, कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, 55 को सिर्फ 7 से भाग दे देना है, सिर्फ 7 से भाग, 7 7 जा 49, कितना बच गया, 6, ठीक है, 6 बच गया ना, 6 बच गया। अगर आज मतलब कि 49 दिन भी शुक्रवार ही था आपका, बस 6 और जोड़ दो, तो शुक्रवार, शनि, एतवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, बृहस्पतिवार है क्या इसमें, ठीक है, गुरुवार है, ऑप्शन बी, इसको टिक करके आ जाओगे, बोलो आती है समझ में बात। आपको कुछ भी दे दे यहाँ पर, अगर कुछ भी दे दे, कुछ भी कोई सा भी दिन दे दे, ये बोल दे कि आज, जैसे मैं लिख दूं आज अगर फ्राइडे है, ठीक है, तो 287, 280 या तो लिख दो 281 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा 281 को सीधा 7 से भाग करना है, 28 आ गया, 0 बचा, 1 बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया ना, 1 बच गया, बस 1 जोड़ दो उसके अंदर, अगर आज फ्राइडे तो अगला दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा, इस तरीके से आपको सोल्व करना है, मेरे ख्याल से बात आती होगी समझ में, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, कोई सा भी दिन आपको, कोई सा भी दिन दे दे, कोई सा भी आप आराम से निकाल दें, कितने भी दिन दे दे, चाहे आपको 200, 2000 कुछ भी दे दे, यहाँ पर 7 से डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर बचे उसमें जोड़ से चले जाना, बस आपका दिन निकल जाएगा। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, महीने का अगर तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे, देखो आपको क्या बोला, महीने का तीसरा दिन क्या मंगलवार है ना, तो मेरे को ये चीज पता है कि महीने का जो तीसरा दिन है ना भाई, वो ट्यूसडे है, तो हर दिन 7 दिन बाद फिर से मंगलवार आएगा ही, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 10वें तारीख को भी है ना क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद 17 तारीख को भी क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 17 तारीख को क्या होगा, 17, फिर 17 और 7 और जोड़ देंगे, 17 में 17, 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 तारीख को क्या होगा, मंगलवार ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला 25वां दिन, तो 25 तारीख को बता दो ना आप कौन सा दिन होगा, बताओ, बुधवार होगा कि नहीं होगा, बुधवार होगा कि नहीं होगा, बताओ, इस तरीके से टाइप हम निपटा सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, ठीक है, पूरा कैलेंडर आपका अच्छी तरीके से बिल्कुल, जिसको बोलते हैं हर एक टाइप मैंने इसमें करवा दिया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर न्यू लक्ष्य अकेडमी में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, ऐप चलाने में आ रही है, या हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू गाइस।